दोस्तों, जब हम हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हो तो हमको जो वहाँ पर एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, और जब हम एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तब हमको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सेटिंग करने पड़ते हैं जिसके बारे में बहुत सारे नया क्रिएटर जो है वो नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। आप एक नया यूट्यूबर है और आपका चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, आप एक नया एडसेंस अकाउंट बनाए हैं, वहाँ पर कब क्या करना है, कितनी डॉलर पर वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। जैसा आप जानते हो, YouTube में 100 सब्सक्राइबर होने के बाद आप अपने चैनल के लिए कस्टम URL बना सकते हो, और 1000 सब्सक्राइबर में एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एडसेंस में भी कुछ YouTube की तरह रूल्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले एक काम करना बहुत ही ज़रूरी है, जो है US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। ये सभी यूट्यूबर के लिए इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, पहले नहीं था लेकिन अभी के टाइम में ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इंडियन जो भी यूट्यूबर है सभी को ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, नहीं तो US के व्यूअर से आपका जो भी अमाउंट आएगा उसका बड़ा हिस्सा काट लिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। अगर आपका एडसेंस अकाउंट में $0 भी रहेगा तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जब आपके एडसेंस अकाउंट को ओपन करोगे, सबसे ऊपर वहाँ पर टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने टैक्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एड्रेस को लेकर, मतलब जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे तब वो आपको वहाँ पर एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। तो फिर एड्रेस डालने के बाद आपको उस एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है। इससे पहले और एक चीज़, कुछ कुछ लोगों को ये बोलता है, जो है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। तो जो यूट्यूबर विलेज से बिलोंग करता है उसका लगता है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। मेरा भी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन हुआ क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और वहाँ पर हाईलाइटेड हुआ है कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब आप आधार कार्ड डाल के वेरीफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूँ, ये सभी को नहीं आता है। जिसका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का ऑप्शन रहता है वो कर दीजिए, और जिसका नहीं रहता है डरने की कोई बात नहीं है। जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक कोड भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर। और आप बात करते हैं एड्रेस को लेकर, तो कुछ इस टाइप से आता है कोड। इसके अंदर कोड रहता है, 6 डिजिट का कोड रहता है, वो डाल के आपको एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अगर आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए बोला है और आप वेरीफिकेशन कर लिया तो उस टाइम पे आपका एडसेंस अकाउंट में $10 से कम रहता है तब भी आपके पास पिन चला आता है। जब आपका $10 कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास पिन भेजा जाता है, अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है तो। और तीसरा जो है वो है पेमेंट मेथड को लेकर, तो एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है, ताकि जो भी रेवेन्यू आपका एडसेंस में बने वो सारा बैंक अकाउंट में भेजा जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपका एडसेंस अकाउंट में कम से कम $10 होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक अकाउंट को वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद बैंक अकाउंट को भी हम वहाँ पर ऐड कर दिया, और एडसेंस में भी डॉलर है, लेकिन वो डॉलर कब हम हमारे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, आपके पेमेंट पाने के लिए कम से कम एडसेंस अकाउंट में $100 होना चाहिए, तभी आपका जो रेवेन्यू बनेगा वो बैंक में चला जाएगा। तो जब तक आपका एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और $100 के लिए आपको कितना मेहनत करता है वो आपके चैनल और आपके कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, एडसेंस जो है कम से कम $100 होने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट को सेंड करता है। तो ये सारी ऑप्शन आपके एडसेंस अकाउंट में कुछ डॉलर कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलता है। जैसा कि आप $0 पे आप US टैक्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, उसके बाद एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होने के बाद आपका एड्रेस में पिन भेजा जाता है, जो आपको एडसेंस अकाउंट में डाल के एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है। लेकिन आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपके एडसेंस अकाउंट में हो चुका है तो आपको $10 से पहले ही आपको पिन मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ पर उस पिन को डाल के आप एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आता है, मतलब बैंक अकाउंट ऐड करने का।
आपका एडसेंस अकाउंट में कम से कम $10 होना चाहिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। और उसके बाद जब आपका एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाता है, तब आपका जो पेमेंट बैंक में भेजा जाता है। तो दोस्तों, यही था कुछ जानकारी एडसेंस को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।